इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। चौरई विधानसभा के एक सरकारी स्कूल में पदस्थ शिक्षक के शराब पी कराने का मामला सामने आया है। दरअसल आज दोपहर संकुल प्राचार्य और जन शिक्षक चांद के प्राथमिक स्कूल निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। इस दौरान स्कूल में पदस्थ शिक्षक सोहन डेहरिया शराब के नशे में लड़खड़ाते नजर आए। जब जन शिक्षक ने उनसे स्कूल लेट आने और शराब के नशे में होने की बात कही तो वह बात घुमाते हुए नजर आए। तत्काल अधिकारियों द्वारा 100 डायल को कॉल किया गया और शराबी शिक्षक को स्थानीय अस्पताल लेकर जांच कराई गई तो शिक्षक की शराब पीने की पुष्टि हुई। इस मामले में जांच अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है और अब शराबी शिक्षक के ऊपर कार्यवाही की जाएगी। बच्चों ये सर रोज शराब पी के आते हैं? बच्चों बताइए सर रोज शराब पी के आते हैं? रोज शराब पी के आते हैं? अच्छा आपके साथ में मारा पीटी भी करते हैं? ठीक हाँ? और खाना टाइम से बनता है कि नहीं बनता है? यहाँ पे खाना बनता है? ठीक। ये ऐसे पूरे महीने स्कूल नहीं आया ना, जब से आपका स्कूल खुला है स्कूल नहीं आते ना रोज? ये नहीं आते ना? हाँ स्कूल रोज नहीं आते ना? ये सर स्कूल नहीं रोज आते। इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है तुम्हारे सर का? सर का नाम क्या है? नाम जानते हो? क्या नाम है? क्या नाम है बेटा? अच्छा ठीक है। नाम जानते हो आप आपके टीचर का, है ना? कभी पढ़ाते हैं ये? नहीं पढ़ाते? हमारे द्वारा प्राथमिक सालन हुआ जी गए, यहाँ पे शिक्षक श्री सोहन डेहरिया सालन से अनुपस्थित पाए गए। आधे घंटे बाद वे सालन में आए और ऐसा लगा कि वो नशे की हालत में हैं, इसलिए उनकी जांच कराई गई और सारी जांच रिपोर्ट बना के वरिष्ठ कांधे भेज दी गई। शराब पीकर पाया गया था और 100 डायल के माध्यम से पुलिस को बुलाया गया, जिससे उसकी MLC कराई गई और MLC ने जो भी जानकारी आई होगी तो उसके प्रतिवेदन बनाकर BO साहब को दिलवा दिया गया है और कल BO साहब से चर्चा होने के बाद पश्चात जानकारी प्राप्त हुई है कि वो कल एकल नस्ती बनाकर उच्च कार्यालय को पहुंचा दिया गया। अमरवाड़ा विधानसभा में कल मतदान होना है, जिसके लिए आज दोपहर को मतदान दल को EVM समेत चुनावी सामग्री लेकर अमरवाड़ा के लिए रवाना किया गया। गौरतलब है कि विधानसभा क्षेत्र 332 मतदान केंद्रों के माध्यम से 256,959 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाता 128,947 तो महिला मतदाता 128,010 और दो अन्य मतदाता शामिल हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले कमलेश शाह ने कांग्रेस से विधायकी छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था, इसी के चलते अमरवाड़ा में उपचुनाव हो रहे हैं। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में उप निर्वाचन 2024 के सभी 332 जो मतदान केंद्र हैं उन पर मतदान दल रवाना होकर के अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच गए हैं। इन मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण और अच्छे तरीके से निर्वाचन संपन्न हो, इसके लिए 53 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और सभी पुलिस चौकी और सभी थाना क्षेत्रों में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की भी ड्यूटी लगाई गई है। पर्याप्त पुलिस बल की भी व्यवस्था इसमें रखी गई है, जिससे कि मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो। अमरवाड़ा विधानसभा चुनाव का प्रचार खत्म हो गया है, कल उपचुनाव का मतदान होना है। इसी बीच कांग्रेस और गोंडवाना पार्टी ने भाजपा के ऊपर शराब और पैसे बांटने का आरोप लगाया। गोगपा प्रत्याशी देव रावण भालवी ने वीडियो जारी कर आरोप लगाते हुए कहा कि दो दिन पूर्व ग्राम ओझलढाना में बाइक में सवार दो युवकों द्वारा ग्रामीणों को शराब और पैसे बांट रहे थे। इस दौरान उन्हें गोगपा के सदस्यों ने देख लिया तो बाइक सवार अपने वाहन छोड़कर रफू चक्कर हो गए। इसी तर्ज पर कांग्रेस ने भी भाजपा पर पैसे और शराब बांटने के आरोप लगाए। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MSDNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहां संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार बार गर्भपात का इलाज, TT का ऑपरेशन और TT खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी,
मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई बीपी, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुँच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में आज 80 आवेदकों की समस्याएं सुनी गई, जिसमें सीमांकन करने, अतिक्रमण हटाने, खसरा में नाम सुधारने, प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि दिलाने, फौती नामांतरण दर्ज करने, नल जल व्यवस्था करने जैसी समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया। अमरवाड़ा विधानसभा में हो रहे विधानसभा चुनाव का कल मतदान होना है, इसी को लेकर आज विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के उद्देश्य से जबलपुर जोन के आईजी अनिल कुशवाहा, डीआईजी सचिन अतुलकर ने क्षेत्र के बटका खापा, अमरवाड़ा और हर्रई मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान उनके साथ एसपी मनीष खत्री, एएसपी अवधेश प्रताप सिंह, एसडीओपी रविंद्र मिश्रा समेत संबंधित थानों के प्रभारी मौजूद रहे। ग्राम पलटवाड़ा के लगभग 2 दर्जन ग्रामीणों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि ग्राम के कोटवार ने अवैध रूप से 20 से 25 एकड़ शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर उस पर खेती कर रहा है, जबकि यह भूमि शासकीय है। ग्रामीणों ने कोटवार पर कार्यवाही और उसी भूमि पर स्थानीय निवासियों को पट्टा दिलाने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई। सरकारी जमीन थी तो वहाँ पर हम लोग गरीब लोग सोच रहे थे कि मकान बनाएंगे, तो वहाँ से कोटवार ने सुना तो वो पखड़ लिया रातों रात और दाना फेंक दिया। पुशवार ने कब्जा कर लिया ना उस जमीन में सरंदोर। मेरे पास जगह नहीं है, घर द्वार नहीं है, तो हम लोग जहाँ भूमि निकली है जो रहवासी की वो वाली जगह में हम लोग घर बनाना चाहते थे, पर वहाँ पे कोटवार ने जाकर कब्जा जमा लिया। पलटवाड़ा कब्जा किए उनने, फिर भी नहीं निकले। 12 एकड़ में तो कब्जा है, मगर थोड़ी सी जगह पड़ी है जो निकली है मतलब उसके लिए, तो वो उसमें भी कब्जा करने के लिए बैठा हुआ। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यता देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। शासन के निर्देश पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 अंतर्गत शहरी स्वच्छता आधारित एक दिवसीय सफाई अभियान जो कि 25 जून से 23 जुलाई तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत नगर निगम द्वारा आज प्लाग रन का आयोजन किया गया। इस आयोजन से जुड़े शहरवासियों ने चलते सड़क से कचरा एवं अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण किया। प्लाग रन का प्रारंभ गोलगंज से होते हुए मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में समापन के साथ ही सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ एवं कैलेंडर का विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम में निगमायुक्त सीपी रॉय, स्कूल छात्र छात्राएं, जागरूक शहरवासी समेत निगम अमला मौजूद रहा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 76वें स्थापना दिवस पर राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय में विविध आयोजन किए गए, जिसमें छात्र छात्राओं ने राजा शंकर शाह के जीवन और स्वतंत्रता संग्रामी द्वारा अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी एवं उनके जीवन पर प्रकाश डाला। इसी के साथ संगठनात्मक घोषणा, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं प्रशस्ति पत्र का भी वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में पीजी कॉलेज के प्राचार्य समेत अन्य कॉलेज के प्राचार्य समेत छात्र छात्राएं मौजूद रहे। हम सब लोगों ने विद्यार्थियों की एक सुंदर प्रतिभा का प्रस्तुतिकरण देखा, बहुत अच्छा लगा। हमारे विद्यार्थियों में अद्भुत प्रतिभाएं छिपी हैं। अध्ययन के साथ ही वे कलात्मक गतिविधियों में भी
शामिल हैं।